राय साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उस जमाने में राजनाथ सिंह, उमा भारती और कल्याण सिंह के बड़े करीबी माने जाते थे, तो आप इतना निकट होने के बाद और इतना संघर्ष करने के बाद आज ये आपने निर्णय क्यों लिया? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा को मैंने पूरे देश भर में सक्रिय किया था और ये मुझे बाद में पता चला कि राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाना ईर्ष्या का कारण बन जाता है और मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं कलकत्ता से कटक तक की एक महीने की पदयात्रा किया, द्वारका से नागालैंड तक सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा किया, तो मुझे उत्तर प्रदेश के नेताओं ने ही मुझे इससे द्वेष और ईर्ष्या मन में पाल लिया और जब ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा मुझे किनारे करने की साजिश की जाने लगी। फिर मुझे राजनाथ सिंह जी ने और लोगों ने जब मंत्रिमंडल में 2003 को विस्तार हुआ तो उत्तर प्रदेश से मेरा नाम आया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि देखिए रामाशीष जी, भाजपा को मायावती ख़त्म कर देगी, रोज़ 1 लाख वोट इसका नुकसान कर रही है बीजेपी का, आप ऐसा करिए भाजपा बचाइए और भाजपा बचेगी तो राजनीति होगी। तो वो भाजपा बचाओ में मैं निलंबित हुआ। निलंबित होने के बाद मैं प्रयास किया कि भाई 2004 में कि वाजपेयी जी का सवाल है, चलिए चुनाव में वाजपेयी जी का समर्थन किया जाए, लेकिन वेंकैया नायडू का पत्र आ गया कि प्रिय रामाशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। यानी कोई गंभीरता से मुझे नहीं लिया गया, इसलिए मैं चुनाव लड़ा कांग्रेस से, 1,06,000 वोट पाया। अचानक राजनाथ सिंह से मुलाकात हो गई 2008 में, उन्होंने कहा रामाशीष जी, मेरे कहने से आप भाजपा बचाओ अभियान चलाए, आप आ जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आ गया 2008, मुझे कुछ नहीं बनाया गया, न कहीं चुनाव लड़ाया गया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के चुनाव का यहाँ का प्रभारी बना था और मोदी का कार्यक्रम था, मंच पर मुझे बैठने के लिए मेरी कुर्सी भी नहीं लगी थी और जिसके कारण मुझे बड़ा आत्मग्लानी फील हुई और मैं उठ के चल दिया। परिणाम 2009 का सबके सामने रहा, मणि जी चुनाव लड़ रहे थे। फिर बीजेपी में बाबू सिंह कुशवाहा को लिया गया, उसका मैंने विरोध किया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी विरोध किया, वरुण गांधी ने भी विरोध किया, मेनका गांधी ने भी विरोध किया, लेकिन किसी को नहीं कार्रवाई हुई, केवल मुझे कार्रवाई मेरे ऊपर हुई और सूर्य प्रताप शाही ने मुझे निकाल दिया पार्टी से, मैं चला गया था। 2014 के चुनाव में करुणा जी ने कहा कि रामाशीष जी, आपको मैं बचपन से जानता हूँ, पथरदेवा से आप लखनऊ तक आपको ले जाने में मेरा भी योगदान था, मुझे मदद करिए, मैं आपको विधानसभा या नहीं लड़ूंगा तो लोकसभा या पार्टी में कोई जिम्मेदारी दिलवाऊंगा, आप मेरा सपोर्ट करिए। मैंने एक मिनट भी देर नहीं किया, कांग्रेस से रिजाइन करके करुणा जी को सहयोग किया, समर्थन किया। पिछले 5 वर्षों में लगातार मैं पार्टी के संपर्क में था, अमित शाह से मिलता रहा 2-3 बार, प्रधानमंत्री के कार्यालय को बार बार सूचित करता रहा, मिलने का समय मांगता रहा, लेकिन न प्रधानमंत्री के कार्यालय से किसी प्रकार का समय मिला और न तो अमित शाह ने कोई डिसीजन किया मेरे बारे में, कहते रहे हाँ हाँ कहीं ना कहीं आपको रखेंगे। दुनिया में किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर बैठा दिया जाए ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको पूरे देश में। जी, संगठन में उसको काम नहीं दिया गया, विधानसभा लोकसभा में कहीं उसको चुनाव में लड़ाया नहीं गया, अनदेखी किया गया, उपेक्षा किया गया, तिरस्कार किया गया। कल्ला जी ने कहा कि मैं चुनाव मुझे नहीं लड़ना है, मैं आपका प्रयास करता हूं कि आप चुनाव लड़े लोकसभा के लिए, कल्ला जी ने बोला था, बोला था मुझे। मेरा नाम भी उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा हूँ। तो फिर क्या कारण हुआ कि फिर मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि किन कारणों से मुझे नहीं चयन किया गया। मैं जहाँ लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ 2004 में, मैं किसी पद पर नहीं हूँ संगठन में, न सरकार में मेरी कोई भूमिका है, तो इस तरह के 39 वर्षों का मेरा बीजेपी को समय दिया हूँ, खून पसीना बहाया हूँ इस संगठन को सींचने में, लेकिन मुझे उसके बदले में उपेक्षा तिरस्कार मिला। मैं एक बार MLC जरूर बना, मनोनीत हुआ, लेकिन अगर वो आडवाणी जी और कल्याण सिंह और उमा भारती नहीं रहते तो मैं MLC भी नहीं बनता। मैं अध्यक्ष भी बना तो उसमें कल्याण सिंह और उमा भारती का विशेष योगदान रहा, तो मेरा गॉडफादर था तो मैं बन गया,
अपनी मेहनत परिश्रम और समय देने के आधार पर तो बना नहीं। आज मैं चाहता था कि पार्टी में जिन लोगों के लिए मैंने मेहनत किया है या जिन लोगों के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी बचाओ अभियान चलाया या संगठन के हित में आवाज़ उठाया, वो मेरी बात रखेंगे सेंट्रल नेतृत्व के सामने। लेकिन उन लोगों से भी मुझे धोखा मिला, इसलिए मैंने सोच लिया है कि इस वर्तमान जो राजनीतिक दौर है, जो सिस्टम है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो घोषित नीतियाँ थी, दीनदयाल जी के जो सिद्धांत थे, जो उनके मर्यादाएं थी, राजनीतिक मापदंड थे, उस सारी की धज्जियां उड़ाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक कलेक्टिव लीडरशिप न दे करके इसको सेलेक्टिव लीडरशिप के रूप में चलाया जा रहा है। राजनीतिक दल न होकर के कॉरपोरेट कंपनी जैसी पार्टी बनती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि 2014 में रवि किशन ने जौनपुर में मोदी को पानी पीकर गाली दिया, भद्दी भद्दी गालियां मोदी को सुनाया, गंभीर गंभीर आरोप लगाए, उस रवि किशन को 2019 में मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिया करके उम्मीदवार बना दिया जाता। देवरिया संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे आप? जो देवरिया ये इतना जागरूक राजनीतिक जिला है कि आज़ादी से लेकर के और आपातकाल तक देवरिया में लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है आज़ादी से लेकर के आपातकाल के दिनों तक में। लेकिन और यहाँ से बड़े बड़े लोग जब पार्लियामेंट में गए हैं, महान समाजवादी नेता उग्रसेन जी, राजमंगल पांडे, विश्वनाथ राय, रामायण राय, मोहन सिंह, तमाम ऐसे लोगों ने अपनी, हाँ रामजी वर्मा, यहाँ से लोगों ने अपना एक छाप छोड़ा है लोकसभा में। उस देवरिया में कभी बाहर से लोग आने लगे, कभी वहाँ से गाजीपुर से ले आया गया, कभी अब गोरखपुर से ले आया गया। पिछला चुनाव चलिए करला जी एक राष्ट्रीय नेता थे, आ गए, एक बार विशेष परिस्थिति में लोगों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आज कौन सी परिस्थिति थी जब देवरिया में 5 लोग चुनाव में टिकट मांग रहे थे देवरिया लोकसभा के लिए, किसी भी देवरिया के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। ये देवरिया की जनता का एक तरह से अपमान है और इसलिए देवरिया के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने फैसला किया है कि देवरिया के सम्मान में मैं मैदान में उतरा हूँ चुनाव में।